नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। बजट हार्ट टॉक के साथ हाजिर खिदमत हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। आज बजट हार्ट टॉक में हमें ज़हमत दी है डायरेक्टर जनरल फॉर डेट ऑफिस और इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब को। खान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम बहस करेंगे मुल्क की इक्तिसादी पॉलिसी और कारकर्दगी पर। अशफाक साहब, पहला सवाल ये है कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान मईशत की तरक्की के लिए जो इकदाम किए गए थे, वो आपके ख्याल में किस हद तक कामयाब रहे हैं मईशत को तरक्की देने में? शुक्रिया। पिछले साल जितने जो इकदाम लिए गए थे डिफरेंट एरियाज़ में, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक दे दूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए थे। जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ साथ जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इजाफा होता है तो तकरीबन 35 से 40 इंडस्ट्रीज उसमें हरकत होती है। तो ये हमने देखा कि उस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी एक्टिविटी हुई है, और इस लिहाज से कि जो हमने मईशत में पिछले साल जो इकदाम लिए थे, हमारे तवक्कात से कहीं ज़्यादा उसमें ग्रोथ हुआ है। जो हमारे टारगेट था इस साल मईशत में जीडीपी ग्रोथ में, वो 5.3% था। उसके अगेंस्ट जो इस साल हमें अचीवमेंट हुई है, वो 6.4% है, जो तकरीबन 1 परसेंटेज पॉइंट से भी ज़्यादा हमारे तवक्कात से ज़्यादा बेहतर रहा है। इसी तरीके से हमारे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट था, वो 8.8% था, और इसमें जो इजाफा हुआ है, ये तकरीबन 17% से भी ज़्यादा है। तो ये ट्वाइस एज़ फास्ट एज़ आवर टारगेट। तो हम ये इसकी वजह ये है कि अच्छा, कोई शोबा ऐसा है जो जिसमें आपकी तवक्को से बरखलाफ परफॉर्मेंस रही है उस शोबे की? उसमें एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का टारगेट हमारा था 4.2%, लेकिन 2.6% के करीब इसमें इजाफा हुआ है, और इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो कॉटन का प्रोडक्शन का जो टारगेट था हमारा, तकरीबन 10.5 मिलियन बेल्स था, वो अचीव नहीं हो सके, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे उसमें वो पेस्ट अटैक की वजह से क्रॉप में कमी हुई है, जिसके असर पड़े हैं ओवरऑल ग्रोथ में। इसके अलावा जो वीट का हमारा टारगेट था प्रोडक्शन का, वो भी कोई 20.5 मिलियन टन्स था, लेकिन वो टारगेट से काफ़ी कम रहा है। तो इसकी वजह से हमारे ओवरऑल जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर में, वो हम टारगेट अचीव नहीं कर सके। लेकिन ये है कि इंडस्ट्री ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। इसके अलावा जैसे कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, उसमें भी अच्छा। सर, आपने फरमाया कि जीडीपी के अंदर ग्रोथ तवक्को से बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये एक जो इशू है जिस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो जीडीपी की बेस का है कि आपने जीडीपी का बेस चेंज किया है जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ गया है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। तो ये क्या किया है आपने कि बेस चेंज करने की वजह से बढ़ी है ये पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, या हकीकतन जीडीपी में इजाफा हुआ है? दो इसमें इसके आपने जो सवाल किया है, इसके दो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। बेस चेंज करने से ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि बेस जो चेंज हुआ है वो 1999-2000 से शुरू हुआ है। हम 2003-2004 की बात कर रहे हैं, तो जब हम जीडीपी के बेस को तब्दील करते हैं तो पिछले 5 सालों का भी हमने किया है, ताकि जो भी तब्दीली आई है वो उसमें ऑलरेडी शामिल है पीछे के 20 सालों में, तो इसलिए ग्रोथ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि पिछले साल हमारा ग्रोथ था 5.1, इस साल वही 5.1 है। जो नए बेस के साथ भी वही ग्रोथ रेट है 5.1। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू नीड ए बेस पीरियड, एक रेफरेंस पॉइंट, एक बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट आप मेजर करते हैं, उस पीरियड की प्राइस के बेस के अगेंस्ट मेजर करते हैं। तो आप प्राइस के इफेक्ट को इंसुलेट कर देते हैं, सिर्फ आप देखते हैं कि क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ती है, कि वजह यह है कि देखें, जब ये मईशत जो है एक डायनेमिक अफेयर्स है, बहुत सारे जो बेस में, जब आपने 1980 का बेस अगर हमने लिया था, तो उस ज़माने में जितनी इंडस्ट्रीज उस वक्त मौजूद थी वही उस बेस में शामिल है, लेकिन ओवर द ईयर जो उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ
कि टेक्सटाइल इस मुल्क में 60% जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो टेक्सटाइल से आता है। गारमेंट्स $1 बिलियन से ज़्यादा गारमेंट्स, इसी तरीके से नेटवेयर है, बेडवेयर है, $1 बिलियन से ज़्यादा इसके एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। ये इस मुल्क में बन रहा है, गारमेंट्स की फैक्ट्री हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं गारमेंट और ये हम बाहर बेच रहे हैं। ये टावल्स इस मुल्क में बन रहे हैं, टावल्स की फैक्ट्री है जो बना रही है, हम बाहर इसको बेच रहे हैं। तो ये जो मुल्क में बन रहा है इसका किसी पैदावार में, प्रोडक्शन के यूनिट में शामिल नहीं था ये। तो आप देखें कि कितना बड़ा ये लॉस था कि ये चीज़ें मुल्क में पैदा हो रही हैं लेकिन हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उसके प्रोडक्शन में शामिल नहीं हो रही हैं। इसके अलावा लेकिन आपने जब फरमाया कि जीडीपी का बेस चेंज किया है, उसका साइज बढ़ गया है, तो वो तो हमारे जो रेशियोज हैं वो तो सारे आउट हो जाएंगे। टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बहुत कम हो जाएगा, दीगर रेशियोज जो हैं जीडीपी से जो हम लेते हैं वो तो सारे कम हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी होगी, इससे तो हमें नहीं इसका फिक्र करना चाहिए कि चीज़ें कुछ इम्प्रूव होंगी, कुछ देखने में ख़राब लगेगा। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने ना, अच्छा छोड़ें उस शेयर को, छोड़ दें आप ये मुझे बताएं कि जब जीडीपी का साइज इंक्रीज हुआ है, जब आपने कहा कि जी रेडीमेड गारमेंट और टावल्स और बेड शीट जो है वो पहले बेस में शामिल नहीं थी, अब बेस में शामिल हो गई हैं, तो टैक्स तो इन पे ले रहे हैं आप, तो टैक्स में इजाफा क्यों नहीं हो रहा था? ये अच्छा सवाल है, ये बिल्कुल, और हम भी यही अभी इस पे गौर कर रहे हैं कि आखिर टैक्स तो लिया जा रहा था तो वो उसमें क्या प्रॉब्लम है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग इनटू दिस। अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा बजट के ऊपर थोड़ी सी बात करें। जीडीपी का एक जो कन्फ्यूजन था वो काफ़ी हद तक आपने दूर कर दिया, लेकिन बजट के हवाले से एक बुनियादी मसला जो है वो ये है कि गुज़िश्ता कई बरस से जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर होते हैं वो जो बजट में हम एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स देते हैं उससे हमेशा काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे एक्चुअल रेवेन्यूज़ होते हैं माँ सिवाय गुज़िश्ता साल के, कई बरस तक एक्चुअल रेवेन्यू जो थे वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू या बजटेड रेवेन्यू से बहुत कम थे। इसकी क्या वजह है? कुछ आपके मिनिस्ट्री में कुछ हिसाब में कमजोरी है? हिसाब में कमजोरी नहीं होती है, इसकी वजह यह है कि एक्सपेंडिचर क्यों ओवरस्टेट हमारा ओवर हो जाता है हमेशा? नहीं, एक्सपेंडिचर ओवर नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं भी तो हमें प्रेशर डाल के खर्च कराना पड़ता है। मेरे पास जो फिगर है उसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो 854 बिलियन रखा गया, ये 2002-2003 की बात है, ठीक है। और अभी तक आपने पिछले 2 साल से जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो तो रिलीज ही नहीं किए हैं आपने अभी तक, ठीक है? 2 साल से नहीं रिलीज नहीं हुए 2 साल से फिगर्स। और जो कैसे कैसी बने नहीं थी, यहाँ पर क्लैरिफाई करता रहूँ, ये तो कैसी बात कर रहे हैं, हम हर क्वार्टर रिलीज करते रहते हैं एक्चुअल्स की। हाँ जी, हर क्वार्टर रिलीज होता है, जो जो 3 एजेंसीज हैं CBR, स्टेट बैंक एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है, ये तीनों रिकंसाइल करके हम जो हर क्वार्टर, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, सब की बात कर रहा हूँ। पहले 9 महीने में यानी मार्च तक का जो नंबर 2002-2003 की ऑडिटर जनरल के पास फिगर्स हैं अभी तक उसने रिलीज कर दिए हैं। जनाब ये तो बहुत पुरानी बात, हम 2003-2004 की बात कर रहे हैं यार। तो जो फिगर्स रिलीज करी हैं आपने रिकंसाइल करने के बाद एक्सपेंडिचर की, वो बजटेड से ज्यादा है कि कम है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऑन टारगेट। नहीं नहीं, ऑन टारगेट की बात नहीं कर रहा मैं, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है वो बजटेड एक्सपेंडिचर से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल उसी के करीब करीब रहता है। देखिए ना, एक बजट जब करते हैं तो कुछ आपके पीछे किसी कोई एग्जम्पशन होता है, अगर हम रेवेन्यू का टारगेट रखते हैं तो कोई एग्जम्पशन होता है कि इकॉनमी ये ग्रो करेगी, इम्पोर्ट ये होगा, एक्सचेंज रेट का ये इम्पैक्ट होगा, अगर इसमें कहीं पर भी कोई अगर तब्दीली आ जाए तो दैट विल अफेक्ट योर रेवेन्यू। मैं अभी भी इस बात से आपकी इतफाक नहीं करता कि एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है और रेवेन्यू एक्चुअल से लेकिन मैं नहीं उसको उस बहस को छोड़े, मैं अब आपसे बात करता हूँ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है गुज़िश्ता कई साल से हम 70-65% उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, इस बात से आप इतफाक करते हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, हमेशा आप देखें पिछले आप 3-4 सालों का निकाल लें आप तो जो तकरीबन 95% के करीब जो टारगेट होता है। सर 95% 65% हुआ है लास्ट ईयर, आपकी जो फिगर्स अभी आपने इस साल की जो रिलीज करी, मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने अभी जो 9 महीने की जो फिगर्स दिए हैं ना उसमें आपने कहा है कि 96 बिलियन खर्च हुआ है जबकि टारगेट 160 था ना 9 महीने का, तो 3 महीने में क्या 70 बिलियन खर्च कर लेंगे? ये इस किस्म से सवाल किया करें ना, हमेशा आप देखेंगे कि आखिरी क्वार्टर में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट के लिए आप पैसा एलोकेट करते हैं तो शुरू में एक्सपेंडिचर कम होता है क्योंकि
जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे एडवांस करता है उस पे एक्सपेंडिचर उसी हिसाब से ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी मौजूदा स्ट्रेटजी है प्रो पुअर और प्रो ग्रोथ, बकौल हुकूमत के ये स्ट्रेटजी प्रो पुअर और प्रो ग्रोथ है, तो आइंदा बरसों में भी क्या इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने का इरादा है हुकूमत का? हमारी जो मईशत है जीडीपी में इजाफा बढ़ने का है वो 6.4% है, हम अगले 3 से 4 सालों में इसे 8% की तरफ लेके जाना चाहते हैं ग्रेजुअली। इसको अचीव करने के लिए 7 to 8% ग्रोथ किस सेक्टर्स पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं? 5 सेक्टर हैं हमारे, एग्रीकल्चर, ज़राअत, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर। इस 5 में जो 3 सेक्टर ऐसे हैं हमारे, एग्रीकल्चर, एसएमई एंड हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये है वो जो प्रो पुअर ग्रोथ देगा। इसके ग्रोथ से द पुअर विल बेनिफिट डिसप्रोपोर्शनेटली मोर देन द नॉन पुअर। बाकी 2 जो सेक्टर हैं वो उसमें एक के जो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा उसके इम्पैक्ट होते हैं जैसे आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर इसलिए अहम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी आता है। मेरी गुजारिश सुन लेना, एक फंडामेंटल फ्लॉ जो इसमें नज़र आता है इस प्रो पुअर ग्रोथ स्ट्रेटजी में वो ये है कि इट इज़ बायस टूअर्स अर्बन सेंटर्स, अर्बन पॉपुलेशन की तरफ, कारोबार की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ। कंस्ट्रक्शन जो है वो तो ज़्यादातर तो अर्बन एरियाज में होती है ना, शहरों में होती है, ठीक है। आपने जो सीमेंट के ऊपर ड्यूटी कम करी है या सरिये पे ड्यूटी कम करी है वो तो इस्तेमाल होता है शहरों में ज़्यादातर, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो बूस्ट मिल रहा है वो तो उसका इम्पैक्ट जो है जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए होता है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज नॉट सस्टेनेबल। एक दफा वंस द डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो उतना बूम नहीं रहेगा ना। देखिए मिडिल ईस्ट की मिसाल हमारे सामने है ना जी, कि लोग गए वहाँ, जब वहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस खत्म हो गया तो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मजदूर और हुनरकार जो थे वो मिडिल ईस्ट से वापस आ गए। एक बात तो ये है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अर्बन बेस्ड, लेट मी फिनिश, ये अर्बन बेस्ड है कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है। इसी तरह एसएमई सेक्टर जो है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो भी अर्बन बेस्ड है। इसी तरह एग्रीकल्चर में जो आपने बात तो की है पानी की, लेकिन जो पिछले बजट के अंदर भी कहा गया था कि आपने एग्रीकल्चर मशीनरी जो कि प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग और स्टोरेज के लिए उस पर ड्यूटी वगैरह कम किए, तो दैट वॉज नॉट एग्रीकल्चर, दैट वॉज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एक आम ख्याल ये है कि ये सारी जो प्रो पुअर स्ट्रेटजी है ये इट इज़ बायस्ड इन फेवर ऑफ अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड इट हैज़ नेगलेक्टेड दी 70% पॉपुलेशन विच लिव्स इन दी रूरल एरियाज, दही आबादी में जो लोग रहते हैं। तो वो ये तो आपके ख्याल में ये असेसमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल, सबसे पहली बात कंस्ट्रक्शन का मैंने जिक्र किया जहाँ से आपने सवाल शुरू किया। इस मुल्क में हर साल 5 लाख घरों के बैकलॉग आता जाए, जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है उसमें 500,000 का हर साल एडिशन होता है। तो ये आप कह रहे हैं कि जब एक्टिविटी एक मरतबा जनरेट हो जाए तो ये वन ऑफ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें तो इतना पोटेंशियल है कि इट कैन गो ऑन। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, मुल्क में एक्टिविटी होगी, लोगों के मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। जो आज मिट्टी के घर में रह रहे हैं तोड़ के, वो सीमेंटेड घर बनाएंगे। ये तो एक्टिविटी चलता रहेगा, ये तो ये दिस इज़ अ सस्टेनेबल और ये डायनामिक चीज़ है, ये चलती रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन में ये अर्बन बेस्ड है, जनाब इस पर काम करने वाले सारे बेचारे रूरल एरियाज के ही हैं। एक मजदूर जो है चौकीदार से लेकर, मेसन से लेकर, कारपेंटर से लेकर, ऊपर कितने चले आप इंजीनियर और अगर डेकोरेटर की बात कर रहे हैं तो वो अर्बन बेस होता है, लेकिन मजदूर तो रूरल एरिया का होता है, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि इस साल अगर आप देखें कि जो हमारी रूरल इकॉनमी है इसमें कोई 65 बिलियन के करीब एडिशनल इनकम इंजेक्ट हुआ है। किस तरीके से? कॉटन क्रॉप ले लें आप, 10 मिलियन बेल्स कॉटन का हुआ है इस मरतबा। पिछले साल भी मोर लेस इतना ही साइज था क्रॉप का, 10 मिलियन बेल्स के करीब। इस साल 50% 49% जो है वो प्राइस हायर मिले हैं फार्मर को। तो एडिशनल जो इनकम इंजेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस, दैट कम्स टू अबाउट 43 बिलियन रुपीज। इसी तरीके से आप वीट को ले लें, मोर और लेस पिछले साल के बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है वीट, इसमें टारगेट से कम रहा लेकिन पिछले साल से ज़्यादा रहा है। 50 रुपया पर 40 kg इस साल फार्मर को ज़्यादा दिया गया है।
इससे तकरीबन 25 बिलियन एडिशनल इनकम इंजेक्ट हुआ है फार्मर के हाथ में, सिर्फ डेल्टा की बात कर रहा हूं मैं। 68 बिलियन एडिशनल अमाउंट वेंट इनटू द रूरल इकोनॉमी, कहां नजर आ रहा है वो? सबसे पहली बात यह है कि आप देखें कि छोटे छोटे गाड़ियां जो हैं या मोटर बाइक है, इसके सेल जो मंडी टाउन्स हैं रूरल एरियाज में, सबसे ज्यादा सेल वहां पर हुआ है। क्यों? लोगों के पास पैसे आए, दे आर स्पेंडिंग मनी। कंस्ट्रक्शन की आपने बात की थी, जिन लोगों के घर मिट्टी के थे वो तोड़ के सीमेंटेड बना रहे हैं। और ये हम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, हमारे लोग जाते हैं, देखते हैं। मेरा अपना ड्राइवर जो है वो खुद, वो भी एक सोर्स होता है कि उनके इलाके में क्या हो रहा है। और वो उससे भी जब मैं पूछता रहता हूँ कि वो उससे कहता है कि जी हम मिट्टी का घर करता, हमने उसको सीमेंटेड बना रहे हैं और सीमेंट की कीमत जो है बढ़ गई है, ही इज़ कंप्लेनिंग अबाउट दैट। तो ये रूरल एरियाज में भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रूरल एरियाज के लोग भी कंस्ट्रक्शन से बेनिफिट हासिल करते हैं, क्योंकि मजदूर वहीं से आता है, पैसा कमाता है, जाता है वहाँ, फिर घर अपना घर आबाद करता है। तो ये जो कहना है कि ये प्रो पुअर स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छा एसएमई सेक्टर के लिए जो इस प्रो पुअर ग्रोथ में स्ट्रेटजी अपनाई गई है, वो उसमें भी आप शायद से इत्तफाक ना करें, लेकिन फोकस उसका भी फाइनेंसिस और एक्सेस टू फाइनेंसिस के ऊपर है, जबकि एसएमई सेक्टर में फाइनेंसिस के साथ साथ उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए एडवाइस और डायरेक्शन चाहिए, उनको अपनी कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है उसकी, उसमें उनको एडवाइस और वो चाहिए। और लेकिन इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है, सिर्फ फाइनेंसिस के ऊपर है कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, स्टेट बैंक ने फलानी स्कीम शुरू कर दी, कमर्शियल बैंक ने ये कर दिया। बिल्कुल, ये मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में पहले तो ये फाइनेंसेस का ही मसला था बहुत, क्योंकि कोई स्टेट बैंक का ऐसा प्रोडेंशियल रेगुलेशन नहीं था कि जो एसएमई सेक्टर को, क्योंकि इससे पहले एसएमई सेक्टर को भी एक इंडस्ट्री के तौर पे ट्रीट किया जाता था, यहाँ कोलैटरल का मसला होता है, छोटे छोटे जो लोग हैं काम कर रहे हैं कहाँ से कोलैटरल्स लाएंगे। तो एक तो पहले उसमें बेहतरी की गई, उनके लिए एक नया प्रोडेंशियल रेगुलेशन आया लाया गया है, और वो जहाँ तक फाइनेंसेस का मसला है वो उनको हल किया गया है। अब रहा के जी उनको जिस तरीके से आपने कहा कि उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको डायरेक्शन देने वाला चाहिए, ये बिल्कुल इसमें अभी भी कमजोरी है। इस्मेडा इस पे काम कर रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत करने की गुंजाइश है। ये जो प्रो पुअर और प्रो ग्रोथ स्ट्रेटजी थी आपके आपकी, उसके बाद क्या पिछले चार, उसकी वजह से पिछले चार पाँच वर्षों में गुर्बत में मुल्क में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अप्रैल 19 से लेकर और 6th ऑफ मई, इस पीरियड में 5,000 हाउस होल्ड का पूरे पाकिस्तान में अर्बन एंड रूरल एरियाज को एक सैंपल के डिज़ाइन करके साइंटिफिक तरीके से जो अप्रोच होता है, एक सर्वे कंडक्ट किया हमने, और उस सर्वे के जो रिजल्ट आए हैं दे आर वेरी वेरी इंकरेजिंग। वी आर विटनेसिंग ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी। और तो ये जो इंटरनेशनल डोनर्स की रिपोर्टें हैं, जो जो मकामी मुहक्किकीन की रिपोर्टें हैं कि जी पिछले चार पाँच साल में 90 की दिहाई के मुकाबले में पावर्टी में इजाफा हुआ है, वो सब गलत हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि राइटिंग ऑन पावर्टी हैज़ इमर्ज एज अ कॉटेज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और इस इकोनॉमिक सर्वे में मैंने, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे, मतलब आपके ख्याल में जो 5,000 हाउस होल्ड का सर्वे हुआ है 14 करोड़ की आबादी में, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इन स्टडीज से जो एक एक साल दो दो साल में की गई हैं, उसके रिजल्ट्स आप जो हैं उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, लेकिन 5,000 के सैंपल पे जो रिजल्ट आया है, क्योंकि वो आपके फेवर में रिजल्ट, तो आप कह रहे हैं कि पावर्टी में नहीं। फेवर की बात और डिसफेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के पास पाकिस्तान हो या दुनिया में कोई भी हो, किसी के पास पावर्टी का 2000-2001 के बाद का कोई नंबर नहीं है। तो ये जहन में रख लें कि उसके बाद कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के बाहर हो, नंबर वन। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स आया है वो यही सर्वे जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, जिस स्टैटिस्टिक्स ने, जिस अदारे ने सर्वे के करके 2000-2001 का जो रिजल्ट पेश किया था, जिसने ये बताया कि इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई है 98-99 के मुकाबले में, लोगों ने कहा कि देखें जी अब तो हुकूमत के इदारे कह रहे हैं कि बढ़ गई है, आप ही के अंडर है वो एफबीएस, ठीक है ना। अब वही इदारा कह रहा है कि जी गुर्बत में कमी हुई है, तो हम अपने, लेकिन सर मेरी बात सुने सर, गुजारिश मेरी गुजारिश सुने ना सर,
वो जो FBS ने जो कहा था, जिसके ऊपर आपने उसको कुर्बानी का बकरा बेचारे का FBS को बना लिया, उसने तो वो HIS सर्वे भी किया था ना, वो तो हजारों की तादाद में होता है, 5000 हाउस होल्ड तो नहीं होते। यही मैं आपसे क्लियर बताना चाह रहा हूँ, ये जो हम 5000 की बात कर रहे हैं, ये वही सर्वे पाकिस्तान इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे जो तकरीबन 14000 हाउस होल्ड पे होता है, वो हमने 5000 लिए हैं इसको, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए था कि हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि हम जा कहाँ रहे हैं, इसके कहाँ असरात। तो ये रैंडमली लिए आपने 5000? ये साइंटिफिक तरीके से जिस बेसिस पे वो 2000-2001 का सर्वे किया गया है, ये उसी बेसिस पे किया गया है। सिर्फ पावर्टी का जिक्र पे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है, बल्कि जो सोशल जो लिविंग कंडीशंस है लोगों का, मैं यहाँ बताता चलूँ, उसमें ये भी हमने देखा कि एक कमरों के मकान में जो लोग रहते हैं, कितने फीसद लोग पाकिस्तान में एक कमरों के मकान में रहते, एक कमरे के मकान में रहते हैं। 98 का जो सेंसस था, दैट वाज द लास्ट रिजल्ट जो हमारे पास है। हमने इस क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि इस चीज़ को भी देखने के लिए लिविंग कंडीशन से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स होता है हो, वो हम चाहते थे कि हमें मिले, ताकि हमें पता चले कि लोगों के ज़िंदगी में कोई बेहतरी हुई है कि नहीं। उसमें ड्रास्टिक जो है वो एक कमरों के मकान में रहने वाले 2004 में काफ़ी कमी हुई है, दो से चार कमरों में रहने वालों में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। और ये देखें, ये हमें माइंड को एक सेट करके नहीं हर चीज़ों को देखना चाहिए, कि जब तक ये अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि अगर एक उनके जहन में एक सेट किया हुआ है कि जी इस मुल्क में बेहतरी हो ही नहीं सकती, अगर कहीं पे बेहतरी नजर आ रही है, ओ जी ये तो डेटा का मसला नजर आता है। देखिए, मेरी बात सुने अशफाक साहब, आप माशाल्लाह हर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, बहुत काबिल और लायक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं आप। जब मुल्क माशी तौर पे तबाही के दाने पे खड़ा था, उस वक्त भी आपका इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा था कि जी सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अब जब तबाही का दहाना थोड़ा आगे हो गया है, तो आप उस वक्त भी आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में अच्छाई हो रही है, लोग ये कहते हैं कि अच्छाई नहीं हो सकती। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कहने की कि जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने जो स्टडीज करी हैं, उनकी कोई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान के अंदर पावर्टी ज्यादा दिखाने की कोशिश करी है? बात ये है कि वो इंडिपेंडेंस कहां से स्टडी कर सकते हैं, नंबर कहां पर गए, किस भाई आपके FBS से लिए ना उन्होंने सर्वे? भाई तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जो लास्ट सर्वे है FBS का वो 2000-2001 का है, इसके बाद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, तो 2000-2001 के सर्वे की बुनियाद पे ही तो ये आपने खुद ही कहा ना कि 98 और 97 के मुकाबले में पॉवर्टी बढ़ी है। मैं तो खुद ही बता रहा हूँ। हाँ, तो वही स्टडी, मैं 2003 की बात नहीं कर रहा, 2001 की तो बात कर रहा हूँ। वो तो बहुत पुरानी चीज हो गई, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि जी वही FBS था जिसने 14000 हाउस होल्ड के बेसिस पे सर्वे किया, और उसने बताया कि जी 2000-2001 में 98-99 के मुकाबले में गुर्बत में इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक है उसकी, नहीं लेकिन वो आपने माना नहीं है वो? नहीं, 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 कैसे, ये तो ऑफिशियल हमारे स्टैटिस्टिक्स है जनाब, 32.1%। नहीं, उस स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे जो स्टडीज हुई है, उन्होंने कहा है कि पॉवर्टी में इजाफा हुआ, वो तो आपने आज तक नहीं मानी ना? नहीं, 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 जो वर्ल्ड बैंक ने स्टडी करी वो आपने एक्सेप्ट नहीं करी ना अभी तक? नहीं, 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 ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद प्लानिंग कमीशन ने खुद पब्लिश की है कि जी दिस इज आवर पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स, यही है हमारा पॉवर्टी का नंबर, दिस इज द ऑफिशियल नंबर। अब रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के ऊपर कुछ बात कर लें हम। गुज़िश्ता 4 साल में रेवेन्यू मोबिलाइजेशन या आमदनी में इजाफा तो हुआ है, और 2002-2003 में मेरा ख्याल है कि 17.4% था GDP का टोटल रेवेन्यू, ठीक है, वो उसमें इजाफा तो हुआ है, इस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये इजाफा जो है वो सेटिस्फैक्ट्री अभी भी नहीं है, पोटेंशियल से बहुत कम है। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के मुकाबले के तरक्की पजीर ममालिक को लें, भूटान है, श्रीलंका है, बोट्सवाना है, निकारागुआ है या वियतनाम है, वहाँ पे टोटल रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ GDP इज मोर देन 20%। हमारे यहाँ ये अभी मुश्किल से 17% हुआ है। तो ये इतना रेवेन्यू जनरेशन या मोबिलाइजेशन का प्रोसेस इतना स्लो? बिल्कुल सही दुरुस्त है, और मैं बिल्कुल इसको तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ जो टैक्स एफर्ट है, टैक्स टू GDP रेशियो को टैक्स एफर्ट कहते हैं, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज का एवरेज है उससे कम है।
क्यों कम है वो मैं आपको उसका बताता हूँ। हमने माजी में अर्ली 90s से बहुत टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए इस मुल्क में। उस रिफॉर्म का जो रिजल्ट है, आप देखें कि हमारा जो स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का, उसमें बेहतरी आई है उस रिफॉर्म से। जो 1991 से हमने शुरू किया था टैक्स रिफॉर्म, उससे जो स्ट्रक्चर था टैक्सेशन का, यानी कि शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स का बढ़ना, शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का कम होना, कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस का शेयर बढ़ना, प्रोडक्शन बेस्ड जो टैक्सेस हैं उनका शेयर कम होना, ये एक बेहतरी की तरफ एक डायरेक्शन था और ये उसमें हमें नज़र आया। लेकिन ये रिफॉर्म जो था, इट डिड नॉट यील्ड ए डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। उसकी वजह ये थी कि हमने सिर्फ टैक्स सिस्टम की तरफ कंसंट्रेशन किया। हमने कस्टम ड्यूटी में तब्दीलियाँ की, रैशनलाइज उसके ड्यूटी को कम करते गए, सेल्स टैक्स की तरफ तवज्जो दिया, उसके बेस को ब्रॉडन करने की कोशिश करते रहे। हम सिर्फ टैक्स सिस्टम को छेड़ते रहे, हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म नहीं इंट्रोड्यूस किया। डेवलपिंग कंट्रीज में टैक्स सिस्टम और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ये एक दूसरे के साथ लाजिम और मुलजूम है। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डेवलप ही होता है टैक्स सिस्टम के मुताबिक। हम टैक्स सिस्टम में तब्दीलियां करते चले गए लेकिन जो मशीनरी है उसमें तब्दीलियां नहीं करते। किसने रोका था मशीनरी में तब्दील करने को? नहीं, ये तो जिन लोगों जो उस जमाने में थे जो टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी तवज्जो। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, उस जमाने की बात आपने करी लेकिन मेरे पास जो फिगर्स हैं वो 99 से लेकर 2002-2003 तक की, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर जो है टोटल रेवेन्यू के अंदर वो 33% से जो कि 99-2000 में तक कम होकर अब 28% पे आ गया है। नहीं सर, इकोनॉमिक सर्वे की फिगर मैं आपकी दे रहा हूं, अगर आप यहां बैठ के इकोनॉमिक सर्वे को डिनाई करेंगे तो आई कांट हेल्प इट देन। डायरेक्ट टैक्स का शेयर ये तो दुगना हो गया जनाब। डायरेक्ट टैक्स का शेयर 1991 से लेकर 1991 की बात नहीं कर रहा मैं, 99-2000 में जी 33% था, 2000-2003 में आप इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें, आप कस्टम की जो ईयर बुक है वो उठा के देख लें, उसके अंदर वो 28.2% हो गया है डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर इन टोटल टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो वो मेरी गुजारिश सुने ना, तो वो कम हुआ है। ठीक है ना, तो ये मेरा ये ख्याल है कि अगर हमने गुर्बत को मुल्क से खत्म करना है तो उसको चारों तरफ से घेर के मारना होगा। ठीक है ना, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो रिग्रेसिव होते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका गरीबों पे ज्यादा बोझ पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर जो है पिछले 4 सालों में जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है वो 72% से ज्यादा हो गया है। सर आप मुझे सर आप इकोनॉमिक सर्वे को अगर डिनाई कर रहे हैं और अगर आप सीबीआर की ईयर बुक को अगर आप डिनाई कर रहे हैं, डिनाई की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं हर रोज इस नंबर से खेलता हूं, इसलिए आई एम मोर करंट देन एनीबॉडी एल्स। इकोनॉमिक सर्वे में सर आपका इकोनॉमिक सर्वे है, आपकी रोजाना फोटो उसमें हर साल छपती है, मैं ऑथर हूं इकोनॉमिक सर्वे का, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं तो हर रोज हर लम्हे मेरा यही काम है। आयुष की मेरे पास होता है इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे, अगर होता तो मैं भी और सीबीआर की ईयर बुक आयुष की होती मेरे पास। मैं तो अभी 2003-2004 का जो मैं चैप्टर लिख कर आया हूं तो बिल्कुल ताजा ताजा है मेरे सामने। सर ये सोर्स जो है ये देखें आप, दिस इज द सोर्स, दिस इज द सीबीआर ईयर बुक, बता रहा हूं, सीबीआर की ईयर बुक है सर ये। मेरे नजदीक ये मैं नहीं समझता हूं कि अपनी गवर्नमेंट की फिगर्स को तो डिनाई करने की बात नहीं है क्योंकि ये तो जो चीज है ये तो हर रोज में हर लम्हे यही करता रहता हूँ मैं। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं इस बात को छोड़ें, आई एम 100% श्योर की फिगर सही है क्योंकि मैंने इकोनॉमिक सर्वे और सीबीआर की ईयर बुक से ली है और आप जाके काइंडली इसको चेक भी कर लीजिएगा। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि बजट जब आप करेंगे तो मैं फिर हाजिर होऊंगा, फिर उस वक्त वो मैं किताब लेके आऊंगा इंशाल्लाह क्योंकि फोटोग्राफी आप नहीं मानने होते यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता कई बरसों से इनकम टैक्स की बेस में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। टैक्स दहिंदगान की तादाद मुल्क में जो है वो कितनी है, 15 लाख है?
तकरीबन रफली 2.2 मिलियन के करीब है। चलें 2.2 मिलियन है, 22 लाख मान लेते हैं, 22 लाख टैक्स पेयर हैं मुल्क के अंदर, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो बेचारी सैलरीड क्लास की है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। लेकिन मुल्क के अंदर 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, बिल्कुल। 32 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ी है, बिल्कुल। तो ये तमाम मालूमात होते हुए भी हम इनकम टैक्स की बेस को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज अ चैलेंज और इस पे काम हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी जो स्टेप लिया गया है, ये जो 2001 का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जो चेंज किया गया है, जिस पे हम सेल्फ असेसमेंट स्कीम ले गए हैं। एक जो टैक्स पेयर का एक जो डिमांड था कि जी आप हमें ये टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं इनसे आप हमारे जान छुड़ाएं, ये इनको पीछे हमारे ना लगाया करें। हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा किया, अब आप खुद अपना टैक्स खुद असेस करते हैं और खुद पे करते हैं। अब ये देखना है, क्योंकि ये पहला साल था जो सेल्फ असेसमेंट का गुजरा है, अब ये देखना है कि हमारे अंदर कितनी मुसलमानियत मौजूद है कि हम ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करते हैं। सरकार ने अपना काम तो कर दिया, जो उनका डिमांड था उसको पूरा कर दिया है। अब ये देखना है, क्योंकि अभी इस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं कि कितना लोगों ने टैक्स फाइल रिटर्न किए हैं, कितने टैक्स पेयर हैं, लेकिन ये अभी नंबर आ रहा है हमारे पास में। लेकिन जो आपकी बात थी कि जितने टैक्स पेयर होने चाहिए इस मुल्क में वो नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी यानी काफ़ी कम और नाकस रहा है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से जो निजी सरमायाकारी होती है जिसको ये पब्लिक एक्सपेंडिचर सपोर्ट करता है, उसमें भी खातिरखा इजाफा नहीं हुआ है। और मईशत में आप इस बात से तवा करें कि इनफिशेंसीज और गवर्नेंस के इशू जन्म ले रहे हैं। गरीब आवाम को बेसिक सर्विसेज जो हैं, जैसे तालीम है, सेहत है, पीने का साफ पानी है, जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी मुहैया करना, वो पब्लिक को नहीं मिल रहा है, आम गरीब आदमी को। जो आपका सवाल समझ में नहीं आया, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं या किसकी तरफ? मैं कह रहा हूँ पब्लिक एक्सपेंडिचर में इजाफा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सोशल सर्विसेज अफेक्टेड हैं। आपका ध्यान है पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की तरफ, ताकि उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। नहीं, अगर फिर यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप PRS की डॉक्यूमेंट को अगर देख लें, तो जो ये पॉवर्टी रिलेटेड सोशल सेक्टर जो एक्सपेंडिचर है, 1999-2000 में 114 अरब था, इस साल ये 238 अरब है, और अगले साल इसमें और भी इजाफा है। तो ये तो वो डायरेक्टेड जो है, जिसमें आप देखेंगे कि 13-14 आइटम्स हैं जिस पे ये एक्सपेंडिचर जो है वो जाता है, तो इजाफा तो बहुत हुआ। तो ये एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है? क्योंकि ना सेहत की सूरत हाल गरीबों के लिए बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, ना तालीम की हो रही है, पानी पी पी के लोग मर रहे हैं हैदराबाद में। तो आपको मैंने स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किया। नहीं, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तो पाकिस्तानी मईशत ने बहुत तरक्की की है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है यहाँ पर जो है वही फिर वो जहन वाली बात आ जाती है ना, कि अगर आपके जहन में बैठा हुआ कि इस मुल्क में कोई बेहतरी हो ही नहीं सकती है, तो मेरे ख्याल में हम वजारत को सब बंद बंद करके चले जाएं, घर में बैठ जाएं, इसलिए कि अब कोई बेहतरी हो ही नहीं सकती, इसी तरीके से चलता रहे सिस्टम। तो हो अगर रही तो नजर भी तो आए ना सर। तो ये आखिर नजर कहाँ से आएगा जब कोई ना कोई एजेंसी, 40 लोग मर चुके हैं हैदराबाद में पीने के पानी मुहैया ना होने की वजह से। डिफरेंट इशू, वो डिफरेंट इशू है, हमें मुल्क सतह की बात कर रहे हैं कि अगर मुल्क की सतह में अगर लोगों के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही है तो हम किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? फिर हमें तो घर चला जाना चाहिए, सबको वजारत खजाना को बंद कर देना चाहिए, बाकी इदारे सबको बंद कर दें, इसलिए कि जी इस मुल्क में कोई बेहतरी हो ही नहीं सकती, ये हमने एक फैसला कर लिया है। तो भाई बात यह है कि ऐसा तो नहीं होता है कि जी बेहतरी हो ही नहीं सकती है, आदमी काम कर रहा है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप जिस स्पीड से बेहतरी की एक्सपेक्टेशन करते हैं उस स्पीड से बेहतरी नहीं हो रही है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है या जो पॉलिसीज़ हैं, ये कोई बल्ब तो ऑफ एंड ऑन तो नहीं करते हैं कि अगर आपने ऑफ कर दिया तो अंधेरा हो गया, ऑन किया तो रोशनी हो गई, फैल गई। इट टेक्स टाइम, आप लोगों के ज़िंदगी में तब्दीलियों की बात कर रहे हैं। आज आप पॉलिसी तो लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ज़िंदगी के दौरान नहीं आनी चाहिए ना। यही तो कह रहा हूँ कि ये तो नज़र आना शुरू हो रहा है ना। या तो आप कहें कि जी चूंकि ये बेहतर रिजल्ट आ गया इसलिए हम ऐसे नहीं मानता,
अगर यही इदारा यही सर्वे में ये कहता कि जी ख़राब हो गई है, आप कहते देखें मैं तो यही कह रहा था कि ख़राब हो रही है, तो हमें प्री कंसीव्ड माइंड लेकर स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज नहीं करना चाहिए। वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट द सक्सेस आल्सो, जहाँ पर बेहतरी हो रही है उसको हमें तस्लीम करना चाहिए, दो लफ्ज़ बोल देना चाहिए कि जी बेहतरी हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है आप क्रिटिसाइज़ करें हुकूमत को कि जी ये पॉलिसी आपकी सही नहीं है, ये गलत हो रहा है। जब आप क्रिटिसाइज़ करें तो आप सजेशन भी दें कि जी हम समझते हैं कि ये आपको करना चाहिए। सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, हम क्रिटिसिज्म के खिलाफ नहीं हैं। आप देखें सारी दुनिया जब ये बात कह रही है कि जी आपके मईशत में बेहतरी आई है, हम बिल्कुल आँख बंद कर लेते हैं कि जी और समझते हैं कि शायद कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि दुनिया क्यों कह रही है बेहतरी हो रही है। कहती थी कि खराब हो रहा है, देखे जी वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, देखे जी IMF ये कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया है। उस वक्त क्योंकि शायद वो आपके प्री कंसीव माइंड में जो चीज़ें हैं उससे वो मुताबिक वो रिजल्ट आपके उस माइंड के साथ में। अच्छा आप सर, आप मुझे ये रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, आप मुझे ये बताएं कि ये NFC का क्या झगड़ा है, और ये भी मुझे बताएं कि जब बाकी तीन सूबों को आप उनकी कुदरती वसाइल की बुनियाद के ऊपर कुछ शेयर दे रहे हैं तो ये सिंध के साथ ये नाइंसाफी क्यों है कि उसको उस बुनियाद पर शेयर क्यों नहीं दिया जा रहा? इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है सूबे और मरकज के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर, पहले जैसे 37.5 था और 63.5 था, उस इशू को वो एक इशू था कि सूबों के था कि जी इसके आप पाई का साइज बढ़ाया जाए, वो एक इशू था जिसमें काफ़ी हद तक के कन्वर्जेंस है। दूसरा इशू जो था वो ये था कि चले अब तो रिसोर्सेज तो प्रोविंसेस के हो गए, अब ये विद इन प्रोविंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? यहाँ पर जो सूबे हैं इनके दरमियान में कंसेंसस जो है वो पैदा होना है। यहां पर ये मैं बता दूं कि दिस इज एन वर्क इन प्रोग्रेस, ये खत्म नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अपने अपने यहां पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे चल के हो सकता है कि इस बजट में ना हो सके, लेकिन दिस इज ए वर्क इन प्रोग्रेस, आगे जाके भी इसमें हो सकता है। और जहां तक अगर सूबों को मगर ये स्टेलमेट जो है वो तो इसी वजह से है ना कि सिंध ये कहता है कि जी हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन की सोर्स है, एक हमारे पास पोर्ट है जिसके ऊपर 80% मुल्क का रेवेन्यू और इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कलेक्ट होती है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी कुछ शेयर दिया जाए। जब आप बलूचिस्तान को गैस के ऊपर और NWFP को हाइडल पे और पंजाब को पॉपुलेशन पे देते हैं फॉर एग्जांपल, तो सिंध के पास भी तो एक नेचुरल रिसोर्स उसका पोर्ट है ना, वहाँ से समंदर तो खींच के कहीं और नहीं ले जा सकते ना, वो तो सिंध ही का रहेगा। ये जो इशू है ये हम मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में बैठ के इसको तो नहीं हल कर सकते हैं, लेकिन ये तो चारों सूबों, इसमें एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि इसमें यह है कि जब तक चारों सूबों में और मरकज में कंसेंसस नहीं होगा ये NFC अवार्ड मुकम्मल नहीं होता है। आखिरी सवाल मैं सर वो IMF के प्रोग्राम से हवाले से करना चाहता हूँ, एक तो आपको और आपकी वजारत को मुबारकबाद भी देनी है, 4-5 मरतबा फेल होने के बाद इस मरतबा IMF का प्रोग्राम बहुत कामयाबी के साथ पाए तकमील को पहुँचा है, तो पिछली मरतबा ये फेल होता रहा, इस मरतबा कामयाब हो गया आपकी वजह से, इस मरतबा क्यों कामयाब हो गया और पहले क्यों फेल होता रहा? जब से ये हुकूमत आई थी परवेज मुशर्रफ साहब की और जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट हुआ था उनके साथ में, दैट वाज द टफेस्ट प्रोग्राम एवर गिवन टू एनी डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों दिया गया था टफेस्ट प्रोग्राम? उसकी वजह यह थी कि हम, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान वॉज रिगार्डेड एज ए वन ट्रांच इकॉनमी, वन ट्रांच कंट्री, एक एग्रीमेंट साइन किया पैसे लिए, उसके बाद जब एग्रीमेंट साइन होता तो पहला किस्त मिल जाता है, उसके बाद देन यू हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स, हम वहाँ पे पीछे हट जाया करते थे, तो वी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। तो ये टेस्ट था स्टैंड बाय जो टफेस्ट प्रोग्राम एवर गिवन टू एनी कंट्री, जो जो कॉन्फिडेंस जो ट्रस्ट डेवलप हुआ, जो अपने क्रेडिबिलिटी रिस्टोर की, दैट हेल्प अस इन गेटिंग दिस 3 ईयर्स PRGF प्रोग्राम जो दिसंबर 2004 में कम्प्लीट हो रहा है। अब हमने
जो IMF की अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने बता दिया है कि जी ये जो दिसंबर 2004 में ख़त्म हो जाएगा ये प्रोग्राम, दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम। शौकत अजीज साहब जो हैं इनका ये है कि ये खुद एक प्राइवेट सेक्टर से आए, इनका काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ना खुद टेंशन लेते हैं ना दूसरों को टेंस रखते हैं, बड़े रिलैक्स माहौल में, इजी माहौल में, और इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, अभी भी ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक जहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है ये वहाँ पर होते हैं। बाकी जितने एडिशनल सेक्रेटरीज थे हमारे मिनिस्ट्री में वो सब अपने अपने शोबे के इंचार्ज हैं। कोई अगर एडिशनल सेक्रेटरी बजट है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, एडिशनल सेक्रेटरी एक्सटर्नल फाइनेंस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज द इंटायर, इकोनॉमिक एडवाइज़र ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी उसके जिम्मेदारियाँ हैं। हम सब फिर ईजी एक्सेस होता था तो एक टीम की शक्ल डिवेलप हो गई। एक टीम की जब शक्ल डेवलप हुई तो वो काम करने का एक मज़ा आया। दूसरी चीज़ थी कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, किसी भी सरबराह हुकूमत या मुमलिकत ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मईशत पे कभी नहीं लिया। तो जब सरबराह हुकूमत इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो तो नीचे भी सारे लोग फिर उसी तरीके से काम करते हैं। सो दिस इज़ वन रीज़न कि एक हेड ऑफ द स्टेट का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, दूसरा के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में चलाना, और तीसरा प्रोफेशनल इनपुट को बहुत ज़्यादा वेट देना, ये वो है जो जिसको कहते हैं हम गवर्नेंस फाइनेंशियल। अशफाक साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, थैंक यू वेरी मच।